कोरोना वायरस के चलते ज्वालामुखी मंदिर के कपाट दर्शनों के लिए आम जनता व श्रद्धालुओं के लिए पहले ही बंद कर दिए गए थे। अब इस मंदिर में साफ सफाई व सैनिटाइज किया जा रहा है। ये कार्य ज्वालामुखी SDM अंकुर शर्मा की देखरेख में किया जा रहा है। मंदिर परिसर, गर्भगृह, शयन भवन, मोदी भवन, लंगर हॉल, सीढ़ियों व मुख्य द्वारों को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस को लेकर कोई भी भय वातावरण में ना रहे। गौरतलब है कि कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज पहले ही बंद कर दिए गए थे। अब मंदिरों के कपाट भी बंद हो गए हैं, जिस वजह से भगवान व भक्तों में दूरी बन गई है। ज्वालामुखी SDM अंकुर शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर श्रद्धालुओं व आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और गत दिवस से मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण वे स्वयं कर रहे हैं। सरकार के सभी को आदेश है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, भीड़ या ग्रुपों में खड़ा न हो, एहतियात बरतें। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सभी धार्मिक सामाजिक कार्यों व अनुष्ठानों से दूरी बनाएं या उन्हें विलम्ब में करें। सरकार की तरफ से समय समय पर जो भी निर्देश आ रहे हैं, उनकी पालना करें और देश प्रदेश हित के लिए कार्य करें और सरकार व प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, जहाँ तक ज्वाला जी मंदिर का सवाल है, सबको ये मालूम है कि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है एहतियातन, जब तक कि ये सारी सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। और मंदिर को सैनिटाइज करने का काम भी हमने पिछले कल से शुरू कर दिया हुआ है। अभी मैं खुद उसको इंस्पेक्ट करके आ रहा हूँ। जहाँ तक पूरे सब डिवीजन का सवाल है कि लोगों के लिए क्या निर्देश हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश देश हित में सबको यही आदेश है कि लोग सोशल गैदरिंग अवॉइड करें। जो भी अनुष्ठान हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, उनको कुछ टाइम के लिए उनमें गैदरिंग ना करें, पोस्टपोन कर दें। और जो भी समय समय पे पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार से, प्रशासन की तरफ से उनको निर्देश आ रहे हैं, उनका जो है वो उनकी अनुपालना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन है। और ये इस सिचुएशन से हम पूरी तरह से तभी निपट सकते हैं अगर हम सब एक टीम की तरह बिहेव करें और अपने छोटे मोटे पर्सनल इंटरेस्ट को कुछ टाइम के लिए दरकिनार कर दें और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सोचें, देश हित में सोचें और विश्व हित में हम अपनी सोच को रखें। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जिम्मेवार नागरिक बने और पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। और जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हिमाचल के लिए ज्वाला जी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।